जय माता दी। दोस्तों आज बनाने जा रहे हैं पेटैटो पापड़ी चाट। मेरा वादा है पूरे यूट्यूब पे ये वाली चाट नहीं पड़ी होगी और ना ही आपने कहीं खाई होगी, इसलिए आप इसको जरूर ट्राई करें। चलिए दोस्तों, क्या क्या चाहिए मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए, आलू बड़े बड़े ले लेंगे, उनको बॉईल कर लेंगे। चलिए हम बॉईल कर लेते हैं। बड़े आलू चाहिए, जितने बड़े आलू हों उतना ही सही रहेगा। चलिए हम गैस चालू कर लेंगे और आलूओं को रख देंगे। आलू बॉईल हो जाएंगे फिर दिखाते हैं हमें क्या करना है। चलिएगा, हमें क्या क्या चाहिए। पापड़ी गली हमें आटा चाहिए, आटा। और आटा लगाने के लिए थोड़ा सा रिफाइंड, और ये मीठी सौंठ है। इसकी वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी हुई है, आप घर पे बना के इसको स्टोर करके रख सकते हो। ये पालक की चटनी है खट्टी वाली। ये दही है। गार्निश के लिए हमें चाहिए धनिया, प्याज, टमाटर, चुकंदर और नमकीन, और कुछ नमक और लाल मिर्ची पाउडर। और हम देखिए किस तरीके से बनाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। मेरे आलू बॉईल हो गए थे, मैंने उनका छिलका हटा दिया है। अब वो इधर कढ़ाई गर्म करने रख दी है। देखिएगा, मेरी कढ़ाई गर्म हो गई है। अब मैं इसमें क्या करूँगी कि ये बॉईल आलू है ना, मैं उनको फ्राई कर लूँगी। देखिएगा, इस तरीके से देखिए मेरे आलू किस तरीके से पक रहे हैं। चलिए हम इनको इसी तरीके से सुनहरा होने तक पकाते हैं, और अभी मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए, मैंने धनिया चॉप कर लिया है, टमाटर भी चॉप कर लिया है, और ये प्याज और ये चुकंदर भी कद्दूकस कर लिया है। इसका कलर ऐसा लग रहा है ब्लैक ब्लैक, और ये तो नमकीन है ही है। चलिए देखिए इस तरीके से पकाएं। अभी मैं इनको और सुनहरा करूंगी, अभी पक गए हैं और पकाऊंगी, फिर मैं दिखाती हूँ। चलिए, तब तक आलू फ्राई हो रहे हैं, तब तक मैं आटा लगा लूंगी। आटा लगाती हूँ। चलिए, कैसे आटा लगाना है मैं दिखाती हूँ। देखिए, पापड़ी के लिए हम आटा लगा लेंगे। हमने इसमें रिफाइंड डाल लिया और ये घर का आटा ले लिया है, और हम इसमें नमक डालेंगे, डालेंगे हल्का सा। अब इसको गूंद के हम रख लेंगे। अब हम इसको हल्का टाइट सा डो बना लेंगे। देखिए इस तरीके से फ्राई करने हैं पूरे आलू। अब ये मेरे हो चुके हैं। अब एक और बचा है, उसको फ्राई कर लूँगी, फिर मैं सारे दिखाती हूँ। एक एक करके मैं सारे फ्राई कर लूँगी, फिर दिखाती हूँ कि पापड़ी कैसे बनानी है। चलिएगा, मैं दिखाती हूँ। अब हम क्या करेंगे, पापड़ी बनाएंगे। इतनी लोई लेंगे, ज़्यादा पूड़ी जितनी लेंगे उसको हम बेल लेंगे पूड़ी की तरह से। देखिए, इसको पतला कर लेंगे। अब हम इस पर कट लगा देंगे ताकि ये फूले नहीं। हमें पापड़ी चाहिए तो इस पर कट लगाएंगे तो ये फूलेगी नहीं। चलिएगा, हम जितनी है उतनी बेल लेते हैं और हल्की आंच पे सेकते हैं, फिर सेकते हुए आपको दिखाते हैं। चलिएगा, मैंने ये पापड़ी बेल ली है। चलिएगा, मैं सेक लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको किस तरीके से सेकनी है। देखिएगा, कम गैस पे इसको सेक लेंगे, लौट पे पंट पे इसको दबाते हुए सेकेंगे, इसको फूले नहीं है।
देखिएगा अच्छी तरह से सिक गई है। और मैं सारी पापड़ी हैं उनको सबको सेक लूँगी, फिर दिखाती हूँ गणेश किस तरीके से ये बनानी है चाट। देखिएगा पापड़ी को हम क्रैक कर बिल्कुल कर लेंगे इस तरीके से। चलिएगा हम किस तरीके से इसको बनाते हैं दिखाते हैं आपको किस तरीके से इसको कट कर लेंगे। इसको इस तरीके से निकाल लेंगे। अब प्लेटिंग कर चलिएगा हम प्लेटिंग कर लेते हैं, क्योंकि आलू बॉयल आलू था इसमें नमक नहीं मिला सकते थे हम, पहले इसके नमक हल्का सा डाल लेंगे। और ये पापड़ी बनाई है वो डालेंगे, प्याज डालेंगे और ये टमाटर डाल देंगे। अब रेड वाली हम इस पे इसपे चटनी डाल देंगे। अब ग्रीन वाली डालेंगे। अब दही डालेंगे इस पे। अब ये लाल मिर्ची पाउडर, नमक हल्का सा, और ये धनिया डालेंगे, चुकंदर डालेंगे और ये हम नमकीन डालेंगे। फिर से हम लास्ट में हम फिर से पकौड़ी डाल देंगे हल्की सी। फिर से दही डालेंगे और बस लीजिए ये मेरी पोटैटो पापड़ी चाट। मेरी पोटैटो पापड़ी चाट रेडी है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।